तो यार दोस्तों, हमारा वेट यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुका है और आज Ryzen ने लॉन्च कर दिए अपने फोर्थ जनरेशन के APUs, जो कि है ग्राफिक इंटीग्रेटेड CPUs, जिसको हम लोग APUs भी बोलते हैं। APUs की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आपको ना पता हो तो। और मैंने स्विच कर लिया है Ryzen 5 1600 पे, बट इससे पहले मैं यूज़ करता था Ryzen 3 2200G, जो कि एक APU था सेकेंड जनरेशन का, गाइज वो APU था। और यहाँ पर फाइनली Ryzen की फोर्थ जनरेशन आ चुकी है APUs के अंदर, जहाँ पर आप लोग साइड में देख सकते हो कि Ryzen 7 जो है उसका 4700G और 4700GE आएगा, Ryzen 5 में 4600 और Ryzen 3 में 4300G यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गाइज़ इसमें स्पेशल क्या होने वाला है और क्या क्या आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और क्या नुकसान देखने को मिलेगा, हम सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना और बने रहना हमारे साथ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे हम स्ट्रीम भी करते हैं, गेमिंग रिलेटेड कंटेंट की वीडियोस भी लाते हैं और इसी के साथ साथ छोटी मोटी पीसी रिलेटेड वीडियोस भी जो है यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोसेसर्स की। तो आप लोगों को अगर आपने सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के APUs को देखा हो तो उसके अंदर हमको एक चीज़ कॉमन मिलती थी, जो कि थी कोर्स और थ्रेड्स की नंबर। कोर्स और थ्रेड की संख्या हमको हमेशा अभी तक जितने भी प्रोसेस सब में सेम मिली थी, मतलब 4 कोर है तो 4 ही थ्रेड होंगे, 6 कोर हैं तो 6 ही थ्रेड होंगे, 8 कोर है तो 8 ही थ्रेड होंगे। लेकिन गाइज अब इस चीज़ में एक बूस्ट ला दिया है Ryzen ने, या फिर AMD ने कह लो, कि अगर आपके कोर्स का नंबर है 4 तो आपको थ्रेड्स मिलेंगे 8, जो कि मेरा जो प्रोसेसर था Ryzen 3 2200G जो मेरे पास आज भी रखा हुआ है, सो उसमें भी 4 कोर और 4 थ्रेड थे, जो कि 3.5 GHz की बेस क्लॉक और 3.7 GHz की बूस्ट क्लॉक पर चलता था। उसकी भी TDP आई थिंक वो 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस था और उसकी TDP थी आई थिंक 95 वॉट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग थी। और इन सभी की आप लोग देख सकते हो कि जो TDP है वो काफ़ी कम है, जो GE वाले हैं वो लाइटर हैं थोड़े से, मतलब उनमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, जबकि जो G वाले हैं जो बेसिक मतलब अपर लेवल के इनसे थोड़े, उनमें आपको TDP जो है 65 वॉट की देखने को मिलती है, लेकिन जो GE है उसके अंदर आपको TDP 35 वॉट्स की देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये सब Zen Plus आर्किटेक्चर पे बने हुए प्रोसेसर है सारे प्रोसेसर, और ये चीज़ जो है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि लिटरली पावर बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। तो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इससे हमको फ़ायदा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग एक ऐसा PC बनाना चाहते हो बजट में रह के, मतलब बहुत ही तगड़ा आपका टाइट बजट है और आपको एक ऐसा PC चाहिए जिसपे आप स्ट्रीम भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, और आपके पैसे नहीं है इतने, मतलब अफोर्डेबल नहीं है ग्राफिक कार्ड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक सेपरेट, तो फिर ये प्रोसेसर्स आप ही के लिए हैं। अगर आप एक ऐसा प्रोसेसर चाहते हैं जिसमें आप एडिटिंग भी कर लें, साथ ही साथ में थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप कर लें, एटलीस्ट 45 to 50 FPS, 60 तक मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि जो AAA टाइटल के गेम्स है वो 60 FPS पे नहीं चलेंगे इनमें से किसी भी प्रोसेसर पे बिना ग्राफिक कार्ड के, बट खिलवा देगा आपको ये सारे ही प्रोसेसर आपको नॉर्मल जो AAA टाइटल गेम्स है वो आपको 30+ FPS पे आराम से चल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो Ryzen 3 2200G था उस पे तक AAA टाइटल गेम्स जो है वो मीडियम सेटिंग पे 30 FPS प्लस मेरे को देता था। तो ऑब्वियसली ये फोर्थ जनरेशन का है तो भाई साहब इस पे तो आपको 30 प्लस आराम से हाई सेटिंग पे भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमको थ्रेड्स की जो है, मतलब हर एक प्रोसेसर में हमको यहाँ पर हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिलती है, जिसको कि AMD बोलता है SMT साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो भाई आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हाइपर थ्रेडिंग या फिर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की, आपको मैंने थ्रेड्स तो बताई दिए। बूस्ट क्लॉक आपको Ryzen 7 में देखने को मिलती है 4.4 GHz की, और बेस क्लॉक आपको देखने को मिलती है 3.6 GHz की, जो कि काफ़ी अच्छी है। आपको सबसे अच्छी जो बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक है, मतलब जो रेशियो है ना, वो आपको सबसे अच्छा देखने को मिलेगा AMD के Ryzen 4300G में, क्योंकि इसकी जो बेस क्लॉक है वही 3.8 GHz है और बूस्ट ये 4.0, मतलब जो हाई इंटेंसिव वर्क है उसके लिए तो Ryzen 7 अच्छा है, क्योंकि जब आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस काम करते हैं तो आपका जो
क्लॉक स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा भारी काम करने वाले हो तो फिर आपको Ryzen 7 या फिर Ryzen 5 की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल गेमिंग या फिर नॉर्मल वर्क बेसिक वर्क करना चाहते हो तो फिर आप Ryzen 3 के पास या Ryzen 3 को आराम से ले सकते हो। तो यार अब बात कर लेते हैं इनके कुछ मतलब लास्ट मतलब जो इनकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो कंपेयर अगर हम लोग करें सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की प्राइस थोड़ा बहुत अगर हम एनालाइज़ करें तो हम लोगों को पता है कि Ryzen 3 जो है वो हमेशा 10,000 रुपीज़ के नीचे मतलब एक अफोर्डेबल बजट रेंज में हम लोगों को देखने को मिलता है, जबकि जो Ryzen 5 है वो हमको 10,000 to 20,000 के बीच में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एटलीस्ट 17,000 तक हम लोगों को Ryzen 5 जो APU है वो देखने को मिल जाता है, और अगर लास्ट हम लोग बात करें Ryzen 7 APUs की तो वह हमको 20 onwards 25,000 रुपीज़ तक यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसा PC बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पर आपको प्रोसेसर बहुत तगड़ा चाहिए और ग्राफिक कार्ड आप बाद में लेने की सोच रहे हैं तो फिर आप Ryzen 7 ले सकते हो, या फिर अगर आप एक ऐसा PC बनाना चाहते हो जिस पे आप बहुत टाइट बजट पे और आपको ग्राफिक कार्ड नहीं ले सकते, आप ग्राफिक कार्ड पे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आपको गेमिंग करनी है एडिटिंग करनी है तो फिर भाई आप Ryzen 5 या Ryzen 3 की तरफ जा सकते हो। तो यार बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मेरे को लगा आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देनी चाहिए क्योंकि यार बहुत सारे बजट गेमर्स हमारे यहाँ पे नए नए जो हैं लोग स्ट्रीम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग ही हैं जो कि स्ट्रीमिंग भी करना पसंद कर रहे हैं गेमिंग करना पसंद कर रहे हैं, तो भाई उन सभी के लिए ऐसे प्रोसेसर्स बहुत ही मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में हमको मिलने की उम्मीद है। आज ही गाइज़ ये सारे ये 6 के 6 प्रोसेसर्स आज ही लॉन्च हुए हैं, तो प्राइस के बारे में गाइज़ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो बस इतना इस वाली वीडियो के लिए, अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने सभी गेमिंग फ्रेंड्स के साथ, और भाई सब्सक्राइब कर लो मेरे वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।